आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी बुक। ठंड का मौसम था, अंधेरा बढ़ चुका था, शिकारपुर की गलियों में सन्नाटा छाने लगा था। महानगरों की तरह विकसित तो नहीं था शिकारपुर, परंतु आम जनजीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। शिकारपुर की एक अंधेरी गलियों में से एक गली में खड़ी थी सुमन। भोली सूरत, सामान्य कद काठी की 24 वर्षीय सुमन एक मेडिकल दुकान में काम करती थी। वैसे तो रोज ही वो समय पर घर पहुंच जाती थी, परंतु आज मालिक के ना होने के कारण दुकान उसी को देखनी थी, इसलिए वो आज लेट हो गई थी। रात के 10 बजे थे और उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। बस आते जाते मोटरसाइकिल सवार उसे देख रहे थे। अनजानी नजरे जब उसे देखती तो वो ठिठक जाती। छोटे शहर की लड़की है ना, बचपन से ही मान मर्यादा के इतने पाठ पढ़ा दिए जाते हैं कि कभी अनजान लोगों के सामने खुल ही नहीं पाती। ऑटो का इंतजार लंबा हो चुका था और रात बढ़ चुकी थी। अब तो रास्ते में वाहनों की संख्या भी ना के बराबर हो चुकी थी। तभी 4-5 लड़कों का ग्रुप उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। उन्हें देखकर मानो सुमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई, फिर भी खुद को संयत करते हुए खड़ी रही। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहे थे, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। अब उनकी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो गाली देते हुए उस फिल्म का मजाक उड़ा रहे थे जो वे अभी देख कर आए थे। तभी उन लड़कों की नजर सुमन के ऊपर पड़ी। सुमन को देखकर वो लड़के आपस में कुछ बात करने लगे। उनकी सबकी नजरें सुमन के ऊपर थी और सुमन अपनी नजरें नीचे किए हुए अनहोनी के डर अंदर ही अंदर कांप रही थी। अब वो लड़के सुमन से कुछ ही कदम दूर थे। तभी उनमें से एक लड़के ने किसी को फोन लगाया और कहा, जल्दी कार लेकर आ, जरूरी काम है। इतना सुनना था कि सुमन के डर के मारे आंसू आ गए। वो चाहती तो थी वहां से चली जाए, पर जानती थी पैदल जाऊंगी तब भी कुछ ही दूर जा पाऊंगी, इसलिए वो वहीं पर खड़ी रही। कुछ देर बाद उनका दोस्त कार लेकर आ गया। कार को देखकर तो सुमन की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। घर वाले से लेकर ऊपर वाले तक सभी को याद कर चुकी थी सुमन। तभी कार से एक लड़का उतरा और उन लड़कों से बात करने लगा। बातें करते हुए वो बार बार सुमन की तरफ ही देख रहे थे। सुमन को तो जैसे कुछ होश ही नहीं लग रहा था। शायद उसे विश्वास हो गया था कि आज उसके साथ वही सब होगा जो आए दिन न्यूज चैनलों पर पेपर की हेडलाइन में पढ़ती थी। तभी उनमें से एक लड़का सुमन के पास आया और पूछा, कहाँ जाना है आपको? सुमन को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उसे ना सवाल सुनाई दिया और ना ही उसने कोई जवाब दिया। लड़के ने फिर कहा, हेलो, कहाँ जाना है आपको? इस बार सुमन ने लड़के की तरफ देखा पर डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। आप हमारा विश्वास कीजिए, बताइए आपको कहाँ जाना है, लड़के ने जोर देकर कहा। आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 15, इतना ही कह पाई सुमन। इतना सुनकर लड़का वापस चला गया और फिर कार लेकर आया। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए ये जगह अच्छी नहीं है और इस वक्त आपको कोई भी ऑटो नहीं मिलेगा। आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। इस बार सुमन ने कुछ नहीं बोला। वो सोच रही थी कि अगर इन्हें कुछ गलत करना ही होता तो ये लोग अभी तक खड़े ना रहते। इसके आगे कुछ सोचती उसके पहले उस लड़के ने कार का दरवाजा खोलकर बैठने के लिए कहा। सुमन चुपचाप बैठ गई। कार आगे बढ़ चुकी थी, लड़के जगह और अंधेरा पीछे छूट रहा था। सुमन कार के साइड मिरर से ये सब देख रही थी, पर उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। वो लड़के से नजर नहीं मिला पा रही थी। उस लड़के ने भी सुमन से बात करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद सुमन का घर आ गया। सुमन कार का गेट खोलकर नीचे उतरी और थैंक्स कहा। लड़का जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया और कार मोड़कर जाने लगा। सुमन उस जाती हुई कार और अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रही थी।
शायद वो उन लड़कों के बारे में सोच रही थी जिसने उसकी सोच को ही झुठला दिया था।